मैं ज़्यादा पार्टीज़ नहीं करती, लेकिन जब करती हूँ तो मैं प्रिफर करती हूँ कि बॉलीवुड 90 हो, क्योंकि मैं टोटल फिल्मी हूँ. मैं सर से लेके पैर तक फिल्मी हूँ. मुझे हिंदी गाने बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे हिंदी पुराने गाने बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बच्चन साहब के गाने बहुत पसंद है. सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही कुछ गाने होंगे और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ. मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है. अरे कहाँ प्रिपरेशन नहीं होती है, बस ये है कि जब हेक्टिक शेड्यूल चलता है, मैं नाईगांव में शूट करती हूँ और ऑलमोस्ट रोज़ ही करती हूँ. ऐसे प्लान बहुत मुश्किल से बनते हैं, तो थोड़े से एफर्ट ले लेती हूँ मैं कि ऐसे प्लान बनाऊँ, क्योंकि काम तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा. किसी ने कहा था, मेरे किसी दोस्त ने कहा था कि काम तो ज़िंदगी भर चलते रहेगा, थोड़ी ज़िंदगी जीनी भी चाहिए, तो बस इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ. यार टी वी से बन के मैं बॉलीवुड में ही जा रहा हूँ, और अगर आपने सुना होगा तो मेरी भी ऑन फ्लोर आ गई है धीरे 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 धीरे. तो बॉलीवुड से जुड़ा हूँ तो जुड़ा रहना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, और जब से स्टार्ट हुआ तब से ही मैं अपना टेबल बुक करा चुका था, और हो सकता है सबसे पहले मैंने ही घंटी बजाई है. तो बॉलीवुड में, और मतलब बॉलीवुड में रहते हुए बॉलीवुड ना सुनूँ तो इससे मेरे पे तो लालत है फिर, तो इसलिए भाई बॉलीवुड ही सब कुछ है. यार अभी हुआ क्या है ना, इस इंडस्ट्री में जो भी मिलता है ना, पता नहीं मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं कब से जानता हूँ मैं आप लोगों में भी ये लग रहा होगा, मनवीर भाई पता नहीं कब से जान रहे हो. बंदा मुझे मिला था, मैं स्पेन से आ रहा था खतरों का खिलाड़ी करके, और फ्लाइट में मिला था मुझे, और डीजे अमन भाई ने नाम भी बताया, नंबर भी डीजे प्लेन करके सेव है, अभी कॉल मिलाई उसने, और उसका फ़ोटो देखा है कुछ अपने भाई का ही है तोहिद का. तो हर बार ही आता हूँ, लेकिन आज कुछ स्पेशल है कि बॉलीवुड बजेगा तो बैठेंगे पूरे टाइम तक, देखते हैं सुबह तक मिलेंगे आप लोगों को यहीं. बड़े भाई हो तो ये है पाजी जी जो हमें यहाँ तक खींच के ले जाते हैं, और अभी आगे इनको पकड़ लो. लव यू पाजी, लव यू टू. निकलूं मैं, कोई बोलने का. मैं रणवीर भाई का बहुत बड़ा वाला फैन हूँ, और मेरी उनसे बात भी होती है कभी कभी, लेकिन मैंने देख के ना कोई ट्वीट किया है ना कुछ किया है, क्योंकि पब्लिक ना किसी और ही तरीके से देख रही है. आप जो वो दिखा रहे, अगर वो देखने जाओगे ना तो आप समझ जाओगे कि उन्होंने किया क्या है. एक मूवी के पीछे इतनी मेहनत लगती है यार, इतने लोगों का घर बसता है, इतने लोगों का पेट चलता है, जो बाहर लोग हैं ना उनको कुछ समझ में नहीं आता. अगर हमारे ऊपर भी बहुत पहले एक मूवी आई थी कोई मेला जिसमें गुज्जर था, उसको समझ के गुज्जर सब डर जाते हैं, भाई मैं भी तुम्हारे सामने गुज्जर ही खड़ा हूँ. तो जो वो दिखा रहे हैं ना उस हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि लोगों ने किया क्या है. एक एक डेली सोप के पीछे, एक मूवी के पीछे हज़ार लोगों का पेट पलता है. अब अगर उसे रिलीज़ नहीं होने दोगे, उसे देखने नहीं दोगे, तो वो कैसे खाएंगे कमाएंगे, मेरे तो समझ में नहीं आता बाहर लोगों का. तो मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करो लोगों को बताने की, यार ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि नहीं आता यार. मैं बोल भी नहीं पाता कि ये लोग कर क्या रहे हैं बाहर. अभी मैं यहाँ से उठा के किसी को यहाँ मारना शुरू कर दूंगा ना तो 10 आदमी सोचेंगे मारा क्यों. तो मुझे बताएं मेरी खुन्नस क्या है, वो खुन्नस नहीं होनी चाहिए. आप जैसा रिएक्ट कर रहे हो वैसे ही सामने से रिएक्शन आना चाहिए. देख लो मूवी, नहीं देखनी है तो ऐसा कर दो जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में टीवी फोड़ दो, इसमें गुस्सा निकालो, बट बस पे अटैक किसी पे मारना वारना भाई बियॉन्ड, बहुत दुख होता है, तो वो मत करो. मूवी को मूवी की तरह देखो. और पद्मावती या पद्मावत की बात करूँ, लोग जानते नहीं थे, आज लोग जानने लग गए हैं. तो कोशिश करो कि जो लोग जिंदे हैं ना, मतलब रिस्पेक्ट है उनकी भी, बट जो जिंदे हैं उनका ध्यान दो. लव यू. लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था जब मैंने फियर फैक्टर किया था, जो अर्जुन कपूर जब होस्ट थे. इट्स गुड यू नो, मतलब कहीं ना कहीं आज ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट अगर साथ में चले तो लोगों को भी मज़ा आता है, 100% बढ़ता है. और आजकल लोग वही चाहते हैं, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा एंटरटेनमेंट और थोड़ा स्पोर्ट्स के साथ साथ लोग यू नो घुल मिलना भी चाहते हैं. और अनफॉर्चुनेट है कि हॉकी बीइंग द नेशनल स्पोर्ट, उतना लोग उसको उतना इंटरेस्ट नहीं देते, या शायद उसको इतना यू नो जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं. कि जैसे कि ये मेरा छोटा भाई है देवेंद्र, यू नो रियो ओलंपिक्स में खेला हुआ है, और मैं भी जैसे 90 मैचेस अपने कंट्री के लिए खेल के, तो कहीं ना कहीं फील होता है कि हम भी अपने देश के लिए खेलते हैं. तो कोई स्पोर्ट्स को नीचे नहीं ला रहे हैं, बट चाहते हैं और उम्मीद है कि जो हॉकी इंडिया लीग जैसे IPL की तरह जो चल रहा है हमारा, उसके थ्रू हमारा भी स्पोर्ट्स ऊपर आए. ये क्लब बहुत ही अच्छा क्लब है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्टी है, और बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं बहुत ही फिल्मों के हिसाब से घूम के आ जा रहे हैं यहाँ पर. कोई कुछ बन के आया, कोई वासीपुर से कुछ बन के आया, कुछ किसी फिल्म से बन के आया, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप है ये. और सुवेद का जो इनिशिएटिव है, ये बॉलीवुड नाइट्स, बहुत अच्छा चलता ही है यहाँ.